हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग, थोड़ा बहुत नहीं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी हो सकता है। आप इसको इंटरेस्ट लेके देखना बस, क्योंकि आज हम आज हम करने वाले हैं एक फेस ऑफ। और वो फेस ऑफ होने वाला है, एक तरफ होगा हमारा प्रचलित इंडियन स्किन केयर ब्रांड, प्रचलित बोले तो पॉपुलर इंडियन स्किन केयर ब्रांड जो है हमारा बाबा रामदेव जी का पतंजलि, उसका उनका जो ब्रांड है उसका एक प्रोडक्ट है मुल्तानी मिट्टी फेस पैक। ओके, सो ये तो है वो पैक जिसकी मैं बात कर रही हूँ, और घरेलू जुगाड़ से जो हम घर पे मुल्तानी मिट्टी पाउडर के साथ में चीजें मिला के उसको बनाते हैं। सो ये ही ट्राई करने वाले हैं कि कौन सा ब्रांड जीतता है, ये इंडियन स्किन केयर ब्रांड या फिर हमारा घरेलू जुगाड़। सो वो सारी चीजें, सारे फैक्टर्स पे हम बात करेंगे, प्राइस पॉइंट, एवरीथिंग, जो भी जो मैक्सिमम मैं यहाँ पे कवर कर सकती हूँ वो सारी चीजें। एंड हाँ, यही देखने वाले हैं आगे वाले क्लिप्स में, बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये फेस ऑफ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को अगर आप नए हैं तो, और बेल बटन को डेफिनेटली हिट करना, वरना आपने सब्सक्राइब करने की ना कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, आपको पे ही नहीं मिलेगा मेरे वीडियोज का। एंड आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि ये स्पॉन्सर नहीं है लेकिन आई वॉन्ट कि बाबा जी मुझे थोड़ा बहुत पे करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस दोनों यहाँ पे हमें बस पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक जो आता है 60 रुपीज फॉर 60 ग्राम्स, और इसका आप पूरा 60 ग्राम आप यूज नहीं कर सकते, आप इसका पैकेट पूरा ऐसा सीधा करके थोड़ी लगाओगे तो 5-7 ग्राम इसमें अटक जाएगा जो आप कभी नहीं निकाल पाओगे, तो उसको 50 ग्राम में या 55 ग्राम समझो। और वेरस जो ये वाला लूज मुल्तानी मिट्टी पाउडर आता है, ये आपको ब्रांडेड की मैं बात कर रही हूँ, अगर आप लोकल नहीं भी लो, लोकल तो आपको 30-40 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन डोंट गो फॉर दैट। अगर आप इसका ब्रांडेड भी लेते हो आपको 80 रुपीज से 100 ग्राम्स के अंदर अंदर आपको 100 ग्राम्स मिलेगा, और इसका 100 ग्राम्स बोले तो 200 ग्राम्स का 4 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज इसको हम और चीजों के साथ मिक्स करके लगाएंगे। और इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसमें से दो ही चीजें डाली हुई है इन्होंने, एक तो क्ले है जो कि ऑलरेडी मुल्तानी मिट्टी हो गई, और इसमें इसके अलावा है घृत कुमारी विच इज एलोवेरा जेल। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपकी एक्सेसिव ऑयली स्किन है तो मुल्तानी मिट्टी तक तो ठीक है, लेकिन ये घृत कुमारी फिर आपका पूरा बेड़ा गर्क कर देगा। आप अपने जो घर वाला DIY फेस पैक होता है हमारा, उसको आप कस्टमाइज भी बना सकते हो, आप उसको सिर्फ उसको भी छोड़ो, आप सिर्फ नॉर्मल पानी के साथ उसको मिला दो एंड सी द मैजिक। ओके, सो अभी हम क्या करने वाले हैं, प्राइस वाइज हमने देख लिया कि लूज पाउडर ऑब्वियसली घर का जुगाड़ जिंदाबाद, ठीक है, वो चीजें ज्यादा काम करती हैं। और अब मैं मिक्स बनाने वाली हूँ मेरा मुल्तानी मिट्टी। ओके, सो मैं क्या करूंगी इस मुल्तानी मिट्टी पाउडर में, आई एम जस्ट गोना एड लिटिल बिट ऑफ वाटर उसको फेस पैक की कंसिस्टेंसी देने के लिए, एंड देन आधी तरफ मैं मेरा घर वाला लगाऊंगी फेस पैक, और हाफ साइड में लगाऊंगी मुल्तानी मिट्टी फेस पैक पतंजलि का। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने लिया है अराउंड 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी पाउडर, और इसमें मैं हल्का सा पानी, नॉर्मल वाटर और डिस्टिल वाटर आप ले लीजिए, फिल्टर वाटर या ऐसा कुछ। सो यहाँ पे मेरे पास ग्लास में पानी है, मैं इसको मिक्स करती हूँ। ओके, सो ये रहा पानी, और इसमें मैं मिला रही हूँ, आप देख लीजिए पाउडर है, इसमें मैं मिला रही हूँ अराउंड, पहले देख लेते हैं, डुल रहा है एक्चुअली ज्यादा, इसमें जाने से ज्यादा तो डुल रहा है। ओके, सो मैंने इसमें मिला दिया इतना पानी, इसको मिक्स करके देखते हैं। मैं ले रही हूँ ये पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक, और इसको इस पोर्शन में लगाऊंगी, और इसको अब ये बहुत ही क्रीमी है, फेस पैक भी क्रीमी होता है बताओ। सो इसको मैंने अच्छे से लगा लेना है, अगेन मैं यहाँ देख रही हूँ बिकॉज आई टोल्ड यू, यू नो द रीजन बिहाइंड इट। इसमें बाय द वे पैराबिन्स भी हैं। सो हाफ फेस पे मैंने लगा लिया है पतंजलि का मुल्तानी मिट्टी फेस पैक जो कलर में व्हाइट है, उसमें थोड़ा सा बहुत फ्रेग्रेंस भी है बिकॉज उसमें एलोवेरा जेल है। और अब मैं अप्लाई करती हूँ ये घर का बनाया हुआ फेस मास्क सो अगेन मैं इसको मेरे हाफ फेस पे अप्लाई कर रही हूँ। ये कलर में आप देख रहे हैं बिल्कुल स्किन कलर का है, वेरस जो ये वाला मुल्तानी मिट्टी फेस पैक है पतंजलि का वो बहुत ज्यादा व्हाइट है। सो इसको अप्लाई कर लेते हैं, ये 100% नेचुरल है, कोई पैराबेंस नहीं है, कुछ नहीं है, आप इसको जैसे चाहे वैसे बना सकते हैं, चंदन पाउडर डालो आप इसमें एलोवेरा जेल डाल के लगा सकते हो अगर आपको बिल्कुल उसका कॉपी बनाना है तो, लेकिन हाँ बिकॉज पैराबेंस नहीं है तो दैट्स अ गुड थिंग। सो इसको अप्लाई कर लेती हूँ। एज यू कैन सी दोनों ही फेस मास्क अराउंड 12 से 15 मिनट रखने के बाद सूख चुके हैं, सो मैं ज्यादा भी बोल भी नहीं पा रही हूँ, एंड इसको जाके मैं एक बार वॉश ऑफ करके आती हूँ। आप चाहे तो वेट क्लॉथ से भी क्लीन कर सकते हैं, बट मैं वहीं जाके क्लीन करके आती हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैंने फेस वॉश कर लिया है नॉर्मल वाटर से, उसको पैड ड्राई या टॉवल ड्राई कर रही हूँ। मैं आपको बताना चाहूंगी ऑनेस्ट, ठीक है, मेरे इस साइड वाला जो पतंजलि वाला साइड है वो हल्का सा मुझे मॉइस्चराइजिंग लग रहा है बिकॉज उसमें एलोवेरा जेल था, मॉइस्चराइजिंग एजेंट,
Whereas इस साइड मैंने सिर्फ नॉर्मल पानी के साथ उसको डायल्यूट करके फेस पैक बनाया था, तो ये मेरे को नॉर्मल लग रहा है. जो इस साइड वाला जो होममेड वाला था वो बहुत ज्यादा स्मूथ लग रहा है. मेरी स्किन का जो टेक्सचर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से इनहेंस हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है. एंड फील्स लाइक रियली सॉफ्ट टू टच. Whereas दिस साइड ऑफ माई स्किन इज लाइक ओके नॉर्मल टाइप. सो कंक्लूजन ये निकला है. वैसे मैं आपको बताना चाहूंगी, मुझे ये होममेड वाला जो साइड है वो हल्का सा मुझे ग्लोई लग रहा है, जबकि ये शायद भ्रम भी हो सकता है बिकॉज मैंने ऐसा उसमें कुछ ऐड नहीं किया था. बट हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा हो तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. दोनों की अगर बात करें तो मुझे ज्यादा बेटर लगा DIY होममेड अपना मुल्तानी मिट्टी मास्क, जस्ट बिकॉज आप इसको अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो. अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो जैसा मैंने किया था उसमें आप एलोवेरा जेल मिला के मॉइस्चराइजिंग एजेंट उसमें डाल सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं. टी ट्री ऑयल डाल सकते हैं एक्ने को ट्रीट करने के लिए. एंड बहुत सारी चीजें ऑन एंड ऑल अपने उस टाइम समझ में आने लग जाती हैं जब अपन वो मास्क बनाने लगते हैं. मुल्तानी पतंजलि वाला जो मुल्तानी मिट्टी मास्क है उसकी बात करें तो वो रेडीमेड आप लाए और जैसा है आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा. बहुत लोगों की स्किन को सूट भी नहीं करता, सो ये चीज है. सो मेरा जो रिकमेंडेशन रहेगा वो रहेगा आप होममेड DIY मुल्तानी मिट्टी मास्क बनाइए और अपने अकॉर्डिंग खुद को लगाइए, घर वालों को लगाइए, सबके रिंकल्स वगैरह मिटाइए. एंड ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा एजेंट होता है मुल्तानी मिट्टी, जो क्ले होती है वो बहुत बेटर कर देती है, हमारी स्किन को रिजुवेनेट कर देती है. विद दिस आई फिनिश माय टुडेस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग, मजेदार और बहुत ही सही लगा होगा. अगर ऐसा कुछ था तीनों में से भी तो आप इस वीडियो को बिग फैट थम्स अप दीजिए. बिग फैट नहीं तो भी पतला दुबला भी चलेगा मेरी तरह बिल्कुल, ठीक है. सो आप उसको लाइक करिए और मेरे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो. साथ में बेल बटन होगा उसे डेफिनेटली हिट कर देना. एंड या आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं ताकि सबको समझ में आए कि हाँ यार ठीक है. हर बार घर की चीजें काम नहीं करती, लेकिन हर बार बाहर की चीजें भी काम नहीं करती. कभी कभी घर के तड़के ज्यादा अच्छे लगते हैं और मजा भी बड़ा आता है. सो चलिए, आई विल सी यू इन माय न्यू वीडियो. टिल द टाइम टेक केयर, बाय.